हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं आपसे एक बहुत ही नए यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उज्जैन में लोकेटेड है अवंतिका यूनिवर्सिटी इंदौर से अराउंड 50 मिनट्स का रास्ता है जब आप वहाँ पहुँच सकते हैं एंड इट इज़ बैक्ड बाय एमआईटी ग्रुप महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पुणे का बहुत ही रिनोड इंस्टीट्यूट है और ये उन्हीं का है अवंतिका यूनिवर्सिटी जैसा कि आप जानते हैं कि एम आई टी आई डी इज़ फेमस फॉर डिज़ाइन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बहुत फेमस डिज़ाइन कॉलेज है इंडिया का टॉप फाइव में आता है वो और उसी का एक कॉलेज उज्जैन में खुला है और इनका भी डिज़ाइन कॉलेज बहुत अच्छा है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं किस तरह का फैसिलिटीज है प्लेसमेंट किस तरह का ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप्स क्या मिलता है इनकी फीस क्या है ये सारी जानकारी मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं अवंतिका यूनिवर्सिटी के बारे में ठीक है तो लेट मी स्टार्ट कि क्या क्या कोर्सेज देते हैं तो कोर्सेज इनके यहाँ जो सबसे फेमस है वो है डिजाइन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट लिबरल एजुकेशन कॉमर्स ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं जो बेसिकली हॉस्टल और इनका मेस का फीस है जिसमें फोर टाइम्स का फूड इंक्लूडेड है लॉन्ड्री इंक्लूडेड है ए हॉस्टल है टोटल जो फीस है इसकी दो लाख दस हजार रुपये पर ईयर की है सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है इसके अलावा जो इनकी कोर्स की फीस है मैं आपसे वो बात कर लूं जो बैचलर्स ऑफ डिजाइन है इसकी फीस जो है वो थ्री लाख एटी थाउजेंड पर ईयर की फीस है थोड़ा हायर साइड में है लेकिन जिस तरह का ये प्लेसमेंट दे रहे हैं जिस तरह का ये इन्वॉमेंट दे रहे हैं लर्निंग एक्टिविटीज करवा रहे हैं जिस तरह के सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे आप डेफिनेटली इट्स वैल्यू फॉर मनी नेक्स्ट बीबीए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर ईयर बीटेक टू लैखी रुपीज पर ईयर एम बी ए टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज पर ईयर और बी एस सी दो लाख पंद्रह हजार रुपए पर ईयर इनकी ये फीस स्ट्रक्चर है इसके अलावा मैं आपको बताऊं इनकी फैसिलिटीज क्या क्या फैसिलिटीज इनके यहां पे आपको मिलेगी बहुत बड़ा कैंपस है फिफ्टी एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है कैंपस के अंदर में आपको कंप्यूटर सेंटर मिलेगा डिजाइन स्टूडियो मिलेगा बोर्ड रूम्स है लाइब्रेरी है एम थिएटर है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है मतलब जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर में होनी चाहिए मतलब 50 एकड़ का कैंपस है वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है इसके अलावा जो इनकी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं टेन प्लस कल्चरल इवेंट्स करवाते हैं हंड्रेड से ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आती है यूनिवर्सिटी और सेमिनार होते हैं जिसमें बच्चों को डायरेक्टली उन प्रोमिनट पर्सनालिटी से मिलने का बात करने का उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है इसके अलावा ट्वेंटी प्लस स्टूडेंट लेट क्लब्स और लैब्स हैं मतलब बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट ही मैनेज करते हैं स्टूडेंट ही उसको ड्राइव करते हैं इसके अलावा मैं बताऊं इनका जो प्लेसमेंट है 100 परसेंट प्लेसमेंट ये मतलब रिकॉर्ड करते हैं 100 परसेंट प्लेसमेंट इनके यहाँ होता है 457 ऑफर्स सेवन थे लास्ट ईयर और 52 कंपनीज ने हायर किए थे अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स को ठीक है अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल स्टूडेंट्स जो जानकारी जानना चाहते हैं वो है स्कॉलरशिप्स किस तरह का स्कॉलरशिप ये ऑफर करते हैं दो तरह का स्कॉलरशिप है मैं आपको बता दूं एक है वेद व्यास स्कॉलरशिप वेद व्यास स्कॉलरशिप में वो जो बोर्ड के टॉपर्स हैं और जो मेरिट में जेई में आए हैं मतलब जेई में अगर आपका अच्छा रैंक है या बोर्ड में टॉपर हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है दूसरा एक और स्कॉलरशिप है बहुत इंपॉर्टेंट वो है विक्रम स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर फैमिली इनकम फैमिली इनकम के बेसिस पर वो स्कॉलरशिप देते हैं अगर आपका फैमिली इनकम एक नॉमिनल है सिक्स लैक्स के अंडर आता है तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है रिलेटेड टू कॉलेज यूनिवर्सिटी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन कमेंट मी कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच माई नेम इज़ अतुल जैन एंड आई एम अ करियर काउंसलर